संधि बात कर रहे हैं संधि की। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन सी? एक होती है समासंधि, दूसरी होती है व्यंजन, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग। हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा धीरे। स्वर, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सभी संधियों के अलग अलग भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात कर रहे हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? छह भेद होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं पांच भेद। संस्कृत में कितने होते हैं? पहली होती है दीर्घ, फिर गुण संधि, प्रति संधि, और चौथी और पांचवी होती है यण संधि। यहाँ अपन बात करें स्वर संधि की, एक होती है स्वर संधि में दीर्घ संधि, कौन सी? दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, कौन सी? वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, कौन सी? और जो पांचवी अयादि संधि, कौन सी? अयादि संधि। अपन यहाँ पहले बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं अपन दीर्घ संधि, कौन सी संधि की? दीर्घ संधि का मतलब होता है दो दो सजातीय स्वरों का मेल। जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं? मिलते हैं, तो वो वर्ण का दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, तो उस संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। पहला पद है, पहले पद के अंत में क्या होना चाहिए? स्वर। और दूसरे पद के अंत में शुरुआत में क्या होना चाहिए? स्वर। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां पर वो स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ, यानी पड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब दो सहजातीय स्वर मिलके वो स्वर बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ। आई बात समझ में? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राम धन अवतार, राम धन अवतार। अब मैंने लिखा राम धन अवतार, लिखा दो वर्ड है। मैंने आपको क्या कहा था? दीर्घ संधि में दो सहजातीय स्वरों का मेल हो करके स्वर दीर्घ हो जाता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। दो सहजातीय स्वर, मां के पीछे किसकी ध्वनि आ रही है? ध की आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ प्लस क मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। दीर्घ हुआ कि नहीं हुआ? दो स्वर सहजातीय और इसकी ध्वनि तो जाती ही नहीं है। दो सहजातीय स्वरों का मेल जब दीर्घ होता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? अब राम धन अवतार, तो अ प्लस प मिलके क्या बन गया? तो क्या बनेगा? ये राम तो राम ही रहेगा, ये अ और ये द दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो गया?